जयपुर में आज दूसरे दिन भी निजी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार। फोर्टिस अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच कथित मारपीट प्रकरण करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चिकित्सकों की मांग है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की प्रमुख मांग है। बंद के दौरान जीएमएस से निजी चिकित्सक निकालेंगे त्रिमूर्ति तक रैली। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं हो तब तक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम बंद रहेंगे। तो हड़ताल की राह पर है निजी अस्पताल के चिकित्सक। दूसरे दिन भी निजी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। फोर्टिस अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच कथित मारपीट हो गई थी और उस कथित मारपीट प्रकरण के खिलाफ यानी मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक दिन यानी कि कल भी कार्य बहिष्कार किया गया था, आज दूसरा दिन है जब निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, जरा बताइएगा क्योंकि मांग जो इनकी है उससे काम पर असर पड़ रहा है, क्या कोई आश्वासन इन्हें दिया गया है? किस तरीके से जांच चल रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है, कार्य बहिष्कार का ऐलान इन्होंने कर दिया है? हाँ देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से कल फोर्टिस अस्पताल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बाद में जो चीजें सामने आई थी, कल संपूर्ण कार्य बहिष्कार रखा गया, आज भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार रखा गया है। और जो कार्य बहिष्कार रखा गया है उसके बाद में आज सभी चिकित्सक सुबह 11 बजे जेएमएस सभागार में एकत्र होंगे। यहाँ एकत्र होकर यहाँ से सीधे जो स्टेचू सर्किल माफ कीजिएगा त्रिमूर्ति सर्किल तक रैली निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आंदोलन की आगे की रूपरेखा बनाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।